नमस्कार दोस्तों, ए बी बी टेक में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि फॉरेक्स मीवी ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो इस ऐप का रिव्यू रहेगा वो कुछ इधर से ऐसे 2.9 है और इसकी डाउनलोडिंग वो 1 लाख प्लस देखने को मिल जाएगी जो कि इसकी डाउनलोडिंग काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को ऐसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी कुछ इधर से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इधर से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों कुछ इधर से इसका जो भी ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर आपके सामने शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इधर से ऐसे अपने जो भी ऑप्शन रहेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसी तरह से दोस्तों ऊपर के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने सामने कुछ इधर से एक ऑप्शन ब्लैक टाइप का इधर हो जाएगा और उसी तरह से ऐसे हमारे सामने इसकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी रहेगी वो रेटिंग दिखा देखने को मिल जाएगी। और उसी तरह से नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसे आपके सामने ओके पर ऑप्शन आएगा और ओके वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्टिंग होने लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी सर्वर है वो कुछ इधर से कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है। तो सक्सेस का ऑप्शन आने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे अपने जो भी डाउनलोड अपलोड की स्पीड रहेगी वो दोनों देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप जो भी अपना ये चेंज सर्वर चेंज करना चाहो तो वो भी इधर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से ऐसे हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे इस वाला ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसे आपके सामने कौन सा भी सर्वर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि ऐसे आपको इतने सर्वर देखने को मिल जाएंगे। और उसी तरह से दोस्तों ऐसे मैं बैक आ जाऊँगा, बैक आने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर अपनी जो भी स्पीड रहेगी नीचे की तरफ स्पीड भी देखने को मिल जाएगी। और उसी तरह से इसे डिसकनेक्ट करना चाहो तो सिंपली क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर इधर टाइमिंग का भी ऑप्शन रहेगा, आप कितने टाइमिंग तक रखना चाहते हो तो उसी तरह से इसे डिसकनेक्ट करने के लिए सिंपली इस वाला ऑप्शन पर आपको वापस क्लिक कर देना है क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से डिसकनेक्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी सर्वर वो डिसकनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से इस ऐप को ऐसे आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।